बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंफोकॉम कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, आज हम एमएस एक्सेल की तीसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इस तीसरी क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट शीट्स। सो हमने एक्सेल की फर्स्ट क्लास के अंदर भी देखा था कि हम टोटल अपनी एक वर्कबुक के अंदर या अपनी एक एक्सेल की फाइल के अंदर मैक्सिमम कितनी शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो हमने देखा था कि तकरीबन 255 और 256 के करीब हम अपने एक्सेल की फाइल के अंदर शीट इंसर्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करने से पहले अपने नए आने वाले स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम, और उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप हमारी नई आने वाली नोटिफिकेशन और वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आपको जो है आप इसके साथ अपडेट करते रहें। बाकी इसके अलावा जो पिछली आपकी क्लासेस मिस हुई है एमएस एक्सेल की या एमएस वर्ड की, तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उन तमाम क्लासेस का लिंक दे दिया गया है, तो आप उसके थ्रू अपने क्लासेस को लेकर अपडेट कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स, हम आज स्टार्ट करते हैं अपने एक्सेल की इस तीसरी क्लास को और इसके अंदर हम देखते हैं शीट के बारे में। चलिए आइए देखते हैं जी। अब हम आ गए अपने स्क्रीन के ऊपर और इसके एक्सेल के अंदर हमने दो फाइल बनाई है, जिसके अंदर फाइल नंबर वन हमने बनाई है और इसके अलावा दूसरी देखें कि फाइल नंबर टू हमने बनाई हुई है। मतलब दो फाइल्स हमने बनाई है, इन दो फाइल्स के थ्रू जो हम अपनी इस शीट्स की प्रैक्टिस करेंगे। और इसके ऊपर हम देखें कि फर्स्ट टाइम हमारे पास जो है ये शीट वन है और शीट वन के ऊपर हमने उसका नाम रखा हुआ है जनवरी। और अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि फाइल नंबर वन के ऊपर मौजूद है और फाइल नंबर वन के ऊपर जब हम जाते हैं राइट बटन प्रेस करते हैं माउस का, तो हमें कुछ कमांड्स दिखेंगे जिसके अंदर सबसे पहले इंसर्ट कमांड। और इंसर्ट कमांड के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम अपने एक्सेल की वर्क बुक के अंदर किस जो है इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी शीट को। तो जिस तरह से जैसे हम क्लिक करेंगे इंसर्ट का और यहाँ पर वर्कशीट सबसे पहला आइकन होगा और सबसे पहले आइकन को हम करने के बाद इंसर्ट करेंगे, तो ये देखें शीट नंबर वन इंसर्ट हो गई हमारी इस एक्सेल की फाइल के अंदर। इसी तरह से अच्छा वो मूव हो गया, तो चले हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इधर आगे मूव कर सकते हैं, क्योंकि जिस जगह पर आपका कर्सर होगा उसी जगह पर जो है वो नई शीट इंसर्ट करेगा। तो व्यूअर्स, इसके बाद हम देखेंगे सेकंड कमांड हमारे पास है डिलीट की कमांड। और डिलीट की कमांड के लिए सपोज करेंगे हम शीट वन के ऊपर आते हैं, बाकी इसके अलावा जो प्लस का साइन है ये भी देख लें, इस प्लस के साइन के थ्रू जो है मजीद शीट्स इंसर्ट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप उस कमांड के थ्रू करें, ये प्लस के साइन के थ्रू भी जो आप अपने इस फाइल अपने एक्सेल की फाइल के अंदर शीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर सेकंड हमारे पास डिलीट है, डिलीट की कमांड के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो जो हमारे पास शीट है एक्टिव उसके ऊपर राइट बटन प्रेस करके डिलीट किया तो समझ लो वो डिलीट हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से दूसरी तीसरी इस तरह से हमारे पास हम इसको डिलीट कर सकते हैं अपने तमाम शीट्स को। नेक्स्ट हमारे पास है आगे कमांड मूव एंड कॉपी। मूव एंड कॉपी के थ्रू क्या होता है कि आप अपने एक्सेल की शीट के अंदर मतलब एक फाइल के अंदर के अलावा बाकी दूसरी फाइल के अंदर वो शीट को कॉपी भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने क्लिक किया पॉपअप हमारे पास ओपन हो गया और पॉपअप ओपन होने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कौन सी फाइल के अंदर हमने मूव करना है, फाइल वन में या फाइल नंबर टू में। तो हम इसके अंदर देखेंगे फाइल वन के अंदर हमने इंसर्ट करना है, तो फाइल वन के ऊपर करने के बाद फिर हम इसको मजीद नीचे फिर बताएंगे कि कौन सी शीट को इंसर्ट करना है या मूव करना है। तो यहाँ पर करने के बाद हम जैसे ओके करेंगे तो आप देखिएगा कि इसके अंदर हमारे पास ये शीट तो मूव हुई है, लेकिन दोबारा देखते हैं इस कमांड को। अब यहाँ पे हम देखते हैं फाइल नंबर वन और जैसे हम ओके करेंगे, ओके करने के बाद देखिएगा कि अब हम जाते हैं फाइल नंबर टू के अंदर। देखिए फाइल के अंदर टू के अंदर जो है ये शीट मूव नहीं हुई है अभी। अब जब हम देखेंगे इसके अंदर फाइल नंबर टू के अंदर, तो यहाँ पर ये शीट मूव हो चुकी है। तो इस तरह से हम अपने फाइल के अंदर मतलब दो किस्म की फाइल्स के अंदर या तीन तरह की फाइल्स के अंदर आप अपने शीट्स को मूव कर सकते हैं। दोबारा हम देखते हैं इसी कमांड को। अब नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं कि भाई हमने दोबारा मूव करनी है, वापस रिवर्स करनी है, तो दोबारा वो सिलेक्ट करके देखें दोबारा फाइल नंबर वन के अंदर जनवरी नाम की शीट दोबारा वापस आ गई है। और अभी देखें फाइल नंबर टू के अंदर कोई शीट नहीं है। इसी तरह से इसी कमांड को दोबारा हम क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप मेन्यू आएगा, तो यहाँ पर अब हम मूव नहीं करेंगे मतलब हम कॉपी करेंगे। अब हम कॉपी करना चाहते हैं कि हमारे इस फाइल के अंदर भी ये शीट रहे और दूसरी फाइल के अंदर भी शीट रहे, तो यहाँ पर सिर्फ नीचे टिक आपको लगाना पड़ेगा शीट अ कॉपी। तो जैसे ही आप इसको करने का ओके करेंगे तो क्या होगा कि आपकी एक्सेल की
जिस फाइल के अंदर एक्टिवेट थी ये चिप उसमें भी मौजूद होगी, बाकी जिस फाइल के अंदर आप चाहते हैं कि उसके अंदर मूव हो जाए या कॉपी हो जाए तो वहाँ पर भी जो है ये कॉपी हो जाएगी। तो देखिएगा व्यूअर्स, इस वक्त हमारी फाइल नंबर 1 के अंदर भी मौजूद है, इट मीन्स कि इस वक्त शीट कॉपी हुई है। ओके, तो ये शीट हमारी कॉपी हो गई है और फाइल नंबर 1 के अंदर भी मौजूद है और उसमें भी मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर व्यू कोड। व्यू कोड के थ्रू जो है हम अपनी शीट के अंदर देख सकते हैं कि कोडिंग वाइज क्या वर्क है। जस्ट लाइक जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें विजुअल बेसिक के एनवायरनमेंट के अंदर लेकर आ जाएगा। इसका अगर हमारा इतना काम नहीं है, इसको नेक्स्ट छोड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर फॉर्मेट शीट। शीट का फॉर्मेट आप देख सकते हैं और जिसके अंदर हमारे पास जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप अपनी शीट को पासवर्ड के थ्रू। बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन है के फॉर्मेट के हिसाब से या और किसी के हिसाब से या फार्मूला के हिसाब से आप जो जो जिस जिस हिसाब से अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आप अपनी प्रोटेक्ट कर सकते हैं शीट को। और उसके ऊपर सपोज़ करें हमने ये दो ऑप्शंस लिए हैं और सॉरी ये तीन ऑप्शंस लिए हैं, तीन ऑप्शंस पे चलें उसको भी अनटिक कर देते हैं। यहाँ पे हम पासवर्ड लगाते हैं, सपोज़ करें हम पासवर्ड लगाते हैं अपनी शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए और वो रखते हैं ABC 123। ओके किया। इसके बाद ये देखिएगा कि अब हम इस शीट के अंदर किसी भी तरह की फॉर्मेट को रिमूव नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह के डेटा को रिमूव नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। ये आप देखिएगा सिलेक्शन करने के बाद हमने इसको ओके किया तो यहाँ पर मैसेज आ गया कि आपका शीट प्रोटेक्टेड है। तो इसको ओके करेंगे, ओके करने के बाद फिर देखिएगा फिर अगर हम डिलीट करें एडिट करें कुछ भी यू कैंट डू एनीथिंग जब तक आप इसको अनप्रोटेक्ट ना करेंगे। सो नेक्स्ट हमने देखा, इसके बाद हम इसको अनप्रोटेक्ट करेंगे। अनप्रोटेक्ट करने के लिए दोबारा हम यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे जो हमने पासवर्ड किया था, तो ये हमारी शीट अनप्रोटेक्ट हो गई है। अब देखिएगा हम सिलेक्शन करके कुछ भी डिलीट कर सकते हैं, ये देखिए कुछ भी हम काम इसके अंदर कर सकते हैं। दोबारा अनडू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्यूअर्स है नेक्स्ट कमांड है हमारे पास जिसमें हम इसके जो है फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, मतलब हम इसको कलर्स दे सकते हैं अपने शीट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की। आपकी शीट सपोज करें जनवरी नाम की, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या सेल्स प्रॉफिट या आपकी इन्वेंट्री, तो आप हर उसके हिसाब से उसको शीट को कलर दे सकते हैं। सपोज करें मैंने जनवरी की शीट को कलर रेड दे दिया। बाकी इसके अलावा जो है हम इसमें मज़ीद देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास ये भी कमांड रह गई थी सॉरी रीनेम की। रीनेम के अंदर क्या होता है कि आप मतलब नाम चेंज कर सकते हैं, शीट का कोई भी नाम रख सकते हैं, रीनेम की कमांड से ये काम होता है। बाकी इसके अलावा आप क्लिक डबल क्लिक भी करने के बाद नाम चेंज कर सकते हैं इसके अपने शीट का। और देखें रीनेम पे क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिकली इनेक्ट मतलब एडिट मोड पर आ गया है शीट का नाम, जहाँ पर आप अपने शीट का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये हाइट। हाइट के थ्रू क्या होता है कि आप अपने शीट को हाइड कर सकते हैं, जब आप चाहें उसको अनहाइड कर सकते हैं। तो देखें इस वक्त हमारे पास फाइल नंबर 1 के अंदर जनवरी नाम की शीट हाइड हो चुकी है। दोबारा इसको लेकर आना है तो माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, राइट बटन प्रेस करने के बाद फिर हम इसको अनहाइड कर देंगे। और लेकिन वो कहेगा लिस्ट के अंदर कौन कौन सी शीट्स आपने जो हाइड की, कौन कौन सी शीट को आपने अनहाइड करना है। तो वो लिस्ट हमारे पास सारी है, सपोज एक ही थी हमने उसको अनहाइड कर दिया, तो ये सर है हमारे पास ये आ गई। इस तरह से ये देखें एक चीज़ और देखिएगा कि प्लस प्लस के साइन से मैंने इसमें तमाम के तमाम जो है शीट्स इंसर्ट कर लिए। लेकिन अब सपोज़ करें मेरे पास 100-150 के करीब शीट्स हैं तो उनके ऊपर मैंने मूवमेंट करनी है, तो मूवमेंट के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ये एरो बटन यूज़ करते हैं जिसके थ्रू जो है हम अपने शीट के ऊपर मूव नेक्स्ट और मूव एग्जिट हो सकते हैं। ये देखिएगा इस तरह हम इस पर बटा रहे हैं। राइट बटन प्रेस करने का फिर हमारे पास यहाँ पर है सिलेक्ट ऑल शीट्स लास्ट कमांड। और सिलेक्ट ऑल शीट के थ्रू क्या कर सकते हैं कि आप शीट्स को तमाम एट अ टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उसको डिलीट कर दें या कोई फॉर्मेटिंग चेंज कर दें या कुछ और भी वट एवर यू वॉन्ट। अगर किसी भी टाइप का आप काम करना चाहते हैं शीट तमाम शीट्स के ऊपर बैक वक्त, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये कमांड। उसके बाद अनसिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये कमांड्स हमारे पास थी शीट से रिलेटेड। तो बाकी इसके अलावा बाकी आप इसकी प्रैक्टिस रखिएगा तो फिर देखिएगा अगर कोई इसमें कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो आपको तो नीचे कमेंट्स आप दे सकते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दे सकूँगा।
तो व्यूवर्स आज के लिए हमारे पास सिर्फ ये था, और देखते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी। तो व्यूवर्स आज आपने देखा शीट से रिलेटेड हमारी क्लास थी, और आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर रखिएगा। बाकी इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी इसके अलावा इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके शेयर करने से ये इस तरह की इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल टाइप की वीडियोज़ जो है तमाम लोगों को मिले, जिन लोगों को इस चीज़ की अशद ज़रूरत हो। तो फिलहाल हम आज अपनी क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। लेकिन उससे पहले हम ये भी बताते चलें कि अगर आप आई बटन के ऊपर भी देख सकते हैं कि हमारे प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या था, और बाकी इसके अलावा जो है हमारे एंड स्क्रीन के ऊपर भी आप देख लीजिएगा, और इसके अलावा जो है हमने इसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर भी तमाम लिंक्स दे दिए गए। अगर आपकी कुछ क्लासेस मिस हो गई हो तो आप उसको इजीली अटेंड कर लीजिएगा। तो व्यूवर्स आज की क्लास फिलहाल हम इतना रखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।